Good morning, my dear students. Welcome to today's class. Students, I hope that you are enjoying learning through these video lessons. Please stay focused and stay attentive. Also, dear students, one of the very important things these days is staying healthy. Staying healthy is important, and for that, you have to eat right. Okay? While you are in your homes, please ensure that you eat what's right. Okay, you eat only healthy food. You eat home cooked food. Please try to avoid all kinds of junk food. Anything from the outside at this time, it's dangerous. So, dear students, once again, I'm back with a lesson which is a very important lesson. This is a lesson which I must say that I use a lot of times while I check your writing portion. Okay, many times I write down answer sheets, check your subject verb agreement. And this is our topic of the day, subject verb concord or subject verb agreement. Okay, what is it? This topic is highly important for two reasons. One, it's going to influence your writing in the writing section. Okay. Secondly, when questions of editing or omitting will come, only this topic is the topic which is going to help you, get by. Okay. So this topic, it is very important. Watch this video very carefully, understand the concepts. It's very simple as well. The concept is very simple. There is not a lot to it. But before you do that, you have to understand the basics and you have to watch this video carefully. Okay? So, when we come to a sentence, it has many parts like subject, verb, object. Right? These three things are required to form a complete sentence. Even though some of my smart students might say that, sir, for a sentence we only need a verb. Right, you are. But the normal sentences which we use in writing, the normal sentences which are there, all of them require a subject, verb and an object. Object matter nahi karta abhi. Okay? ऑब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सब्जेक्ट और वर्ब. व्हाट इज सब्जेक्ट? जो भी हमारे सेंटेंस में कुछ कर रहा है, सेंटेंस जिसके बारे में है, सेंटेंस जिसके बारे में हमें बता रहा है, दैट इज आर सब्जेक्ट. राइट? अबाउट विच वी आर लर्निंग फ्रॉम द सेंटेंस. जिस भी चीज के बारे में हमें सेंटेंस से पता चल रहा है, साथ सब्जेक्ट. ओके, सिंपली हमने सिंपली डिफाइन कर लिया कि ये हमारा सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? वर्ब होता है हमारा एक्शन. कुछ अगर हो रहा है, एनी एक्शन इज लाइक आई एम पिकिंग दिस पेन, सो पिकिंग हमारा वर्ब है. या फिर हमारी जो स्टेट ऑफ बीइंग, जो उसकी एग्जिस्टेंस की स्टेट है, ठीक है, जो उसकी एग्जिस्टेंस की स्टेट है, वही हमारा वर्ब है. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, हु इज द स्मार्टेस्ट इन द क्लास, एंड यू सेड आई एम. राइट? यू सेड आई एम. अब आई तो हमारा क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट है. और एम क्या है हमारा? वर्ब. कि सिर्फ वो है, ये जो स्टेट है कि जिसमें सिर्फ वो है, दिस स्टेट ऑफ बीइंग, दिस इज वर्ब. ओके, या तो कोई एक्शन है, या फिर ये जो स्टेट है जिसमें सिर्फ है, कि स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, दैट इज वर्ब. ये आपका वर्ब हुआ. अगर आपको सेंटेंस में वर्ब पता चल जाता है, आपका सब्जेक्ट पता चल जाता है, ट्रस्ट मी,
सेंटेंस 90% सॉल्व हो गया, सिर्फ 10% हमें अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है और कुछ नहीं। सब्जेक्ट समझ लेना, वर्ब समझ लेना उसका, उसके बाद बहुत इजीली क्वेश्चंस होंगे। सो व्हाट इज आवर सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉनकॉर्ड और सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट दैट द सब्जेक्ट ओके जिसके बारे में सेंटेंस है एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस ओके जो एक्शन हो रहा है या फिर जो भी है वो दोनों दे बोथ मस्ट एग्री इन नंबर ओके दे बोथ मस्ट एग्री इन नंबर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा उसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा उसके साथ। मोस्ट ऑफ यू 99% ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई अ प्लूरल और अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आप सबको पता चल जाता है कि सर ये सेंटेंस में ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट वट यू पीपल डोंट वट यू पीपल समटाइम्स कमिट मिस्टेक इन इज द फैक्ट यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और वेदर द वर्ब इज प्लूरल। सिर्फ ये चीज है, सिंपली हमें वर्ब समझना है, हमें वर्ब के ऊपर इम्पैक्ट डालना है। एडिटिंग ऑमिटिंग का क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो और उस टाइम पर आप सब्जेक्ट को छेड़ रहे हो, आप सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो, तो क्वेश्चन पूरी तरह से गलत। सब्जेक्ट को आप छेड़ ही नहीं सकते, यू ऑलवेज हैव टू रीड द वर्ब। इसीलिए इस टॉपिक में सब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सब्जेक्ट तो हमारा फिक्स रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा, क्वेश्चन भी आएगा उसमें सब्जेक्ट तो मिलेगा। गैप फिलिंग में भी अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, सब्जेक्ट तो बेटा फिक्स ही मिलेगा, वर्ब चेंज मिलेगा। और ये वर्ब एग्री करा लिया आपने तो जो 10% में बचा हुआ कह रहा था वो आपका सॉल्व हो जाएगा, 100% मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन, इस टॉपिक के हर क्वेश्चन में। बट करने के लिए जरूरी क्या है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, वर्ब आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ये देखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। सिर्फ ये चीजें देखनी है, अगर आप ये मेजॉरिटी पॉइंट्स देख लेंगे तो कोई इशू नहीं आने वाला। एग्जाम्पल्स बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स है, सिंपली द गर्ल इज प्लेइंग, गर्ल्स कितनी है इस सेंटेंस में, गर्ल काउंट करो कितनी है, वन। तो हमने क्या लगाया है साथ में, इज, राइट, साथ में हमने लगाया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में कितनी है, गर्ल्स लिखा हुआ है, एटलीस्ट टू तो है, टू से ज्यादा हो सकती है, टू प्लस अप टू इंफिनिटी, कोई भी नंबर हो सकता है अप टू इंफिनिटी। बट इतना पता है टू तो है ही है, राइट, टू हमारा क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल हो गया। तो अब हमने क्या किया, इसकी जगह क्या लगा दिया, आर। सिर्फ इतना सा है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट में कुछ भी ज्यादा नहीं है, उसकी डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट था उसके साथ सिंगुलर वर्ब चली, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब, प्लूरल वर्ब चली। वन मोर एग्जाम्पल, ही लाइक स्वीट्स। अब यहाँ पे आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने सेंटेंस डाला कि जिन बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पता उनके लिए ये सेंटेंस कंफ्यूजन है, उनके लिए सेंटेंस बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट टुडे वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट सिंगुलर, ही तो सिंगुलर है, ही तो एक है, राइट, ये वर्ब भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, ये कभी भी वर्ब में एफ वर्ब हमेशा
नाउन्स की तरह नहीं चलता कि आपने एस लगाया और प्लूरल हो गया, नहीं। लेमन को लेमन्स कर दिया तो हमारा प्लूरल वर्ब हो गया। बेटा वर्ब ऐसे नहीं चलते, वर्ब में नाउन वाले रूल नहीं लगाने, बस ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है। वर्ब में नाउन वाले रूल्स नहीं लगाने, ये जो लाइक्स है हमारा ये सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल नहीं है। ही सिंगुलर है, ठीक है, ही सिंगुलर है और उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब भी यूज किया हुआ है, समझे, ये समझाना चाहता था मैं। ये अगर क्लियर हो गया तो 100 out of 100 फॉर श्योर इन सब्जेक्ट वर्ब एबिलिटी, इंग्लिश पेपर में नहीं, ओके। इंग्लिश पेपर में अगर 100 चाहिए तो उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है। बट इफ यू वांट 100 out of 100 इन सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड तो बस इतना समझ लियो, बहुत है। नाउ व्हाट वी हैव जस्ट सी द एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लूरल दे, टू और मोर देन टू बन तो नहीं है, दो या दो से ज्यादा है। यहां पे हमारा कौन सा वर्ब है, ये वर्ब प्लूरल है सिंगुलर है? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, लाइक इज अ प्लूरल वर्ब और अ सिंगुलर वर्ब, आंसर मी दिस, एंड इफ यू नो द आंसर, यू हैव आंसर्ड दिस, देन यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। द आंसर इज लाइक इज अ प्लूरल वर्ब, वर्ब्स नाउन्स की तरह नहीं चलाने, लेमन का लेमन्स मत कर देना, ऑरेंज का ऑरेंजेस मत कर देना, ओके। नाउन को भूलकर वर्ब पे फोकस करना है, ओके, देन वेरी इजीली यू विल बी एबल टू डू दिस टॉपिक, ओके। सो दिस वाज योर डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। I hope this much is clear to you, and if you have any doubts regarding this, then please comment and let me know. Sugar and salt Sugar and salt are important for cooking. इस सेंटेंस में क्या हुआ, इस सेंटेंस में शुगर एक काउंट हो रही है, सॉल्ट एक काउंट हो रही है, 1+1 कितना हो गया, 2। वर्ब ठीक है, वर्ब हमारा ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ही मैं सेंटेंस चेंज कर दूं, टीचिंग इज माय ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर आ गए बेटा, कितने हैं, ब्रेड 1, लेकिन इस सेंटेंस में दो चीजें देखने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट टीचिंग है, दूसरी चीज अगर मैं ये कर देता, ब्रेड एंड बटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना होगा कि रिसेंबल क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वो क्या और कितने रिसेंबल कर रहा है, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या और कितने बता रहा है, नो प्रॉब्लम, सिर्फ सेंटेंस में ये एनालाइज करना होता है जरा सा बस, ओके। नेक्स्ट
my friends as well as I are going to Delhi. Again, इस सेंटेंस में क्या हुआ? इस सेंटेंस में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो दिल्ली जा रहे हैं? Count that, okay? Count that. इसमें जो लोग हैं, जितने लोग responsible हैं, वो एक से ज्यादा है, because friends already plural है और एक मैं भी हो गया, okay? एक मैं भी हो गया, वो फ्रेंड्स भी हो गए हैं. सो सिंपली जो भी हम जब भी हम एज वेल एज यूज करते हैं और मोर देन वन होता है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ओके, लेकिन एज वेल एज के साथ एक और एग्जांपल है हमारा. मिस्टर राम as well as his sons is hard working. Now you must be thinking that why sir has used is here, jabki yahan pe to sons bhi hai aur Mr. Ram bhi hai. Lekin hua kya hai, subject yahan pe मिस्टर राम ही हो गया मेन. सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मिस्टर राम ही हो गया मेन, इसलिए जब हमने एज वेल एज यूज किया तब भी हमने इज ही यूज किया. ओके, मिस्टर राम एज वेल एज हिज सन की में इस एग्जांपल में हमने इसीलिए इज यूज किया कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ मिस्टर राम ही हो गया, जबकि वहां हम पीछे थे जो हमने लास्ट सेंटेंस किया था उसमें माई फ्रेंड्स हो गया था जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट था. ओके, सो एज वेल एज हो, विद हो, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है. काउंट करना कि मेन सब्जेक्ट है क्या सेंटेंस में और है तो कितने को वो रिसेंबल कर रहा है, बस. ओके, ईदर ऑफ these two boys is to blame. जो mistake हुई है, जो गलती हुई है उसके लिए either of these two boys is to blame. एक ही responsible है. Okay, either of these two boys, पूरा phrase, पूरा जो ये है हमारा subject, either of these two boys है. लेकिन जब either आ गया, जब neither आ गया, तब क्या होता है, एक की बात हो जाती है. either दोनों में से एक, दोनों में से एक अगर होगा तो एक singular है या plural है. either of these two, either राम और रमेश is to blame. राम और रमेश में से एक है. So one is singular and we are going to use a singular verb. Okay? कुछ हमारे collective nouns जैसे group हो गया, या फिर एक हम कह सकते हैं herd हो गया या टीम हो गया, वो सिंगुलर रिजेंबल करे तो सिंगुलर वर्ब ही लगता है. जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, सेंटेंस में वर्कर्स पे फोकस मत करना, ग्रुप पे फोकस करना. जो ये जितने भी कोई भी प्रपोजिशन आए या कुछ भी, अगर इसका आपका आर्टिकल हो, कुछ भी हो, देख लेना, उससे ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इज ऑन स्ट्राइक,
हम इस यूज करेंगे, क्योंकि एक ग्रुप की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है, बहुत सारे वर्कर्स की बात नहीं हो रही. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ वर्कर्स. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप मींस वन, वन ग्रुप. वी आर टॉकिंग अबाउट वन ग्रुप. सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल? आंसर मी, स्पीक द आंसर लाउडली. द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. ओके, सो दिस इज करेक्ट. ओके, एंड दिस वर्ब इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सिंपल, बहुत सिंपल टॉपिक है. देर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस टॉपिक. Now, see this sentence. Keep the information. Sorry. Information is a vital commodity. इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है. ओके, इंफॉर्मेशन के साथ हमने क्या यूज किया है? इस, हालांकि इंफॉर्मेशन कितनी ही बड़ी हो सकती है, कितने ही डिटेल्ड पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ इस यूज किया है बिकॉज सर्टेन नाउन्स लाइक इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, वो हमेशा सिंगुलर यूज रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं. ओके, सो इसलिए हमने इसमें इस यूज किया, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर ही काउंट होता है. न्यूजेस नहीं होता ना, न्यूज होता है सिर्फ. फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है. तो इन सब के साथ, ऐसे नाउन्स के साथ जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर वर्ब भी फॉलो किया. ओके, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं, सीजर्स, सॉक्स, वो तो प्लूरल होते हैं, राइट? उनके साथ हमेशा हम फिर प्लूरल वर्ब यूज कर लेंगे. लेकिन अगर मैं कहूं अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स की एक जोड़ी, तो इज आएगा या फिर आ रहेगा? अगेन सिंपली पेयर पे फोकस करो. ऑफ के बाद जो है प्रपोजिशन के बाद या जो भी आर्टिकल के बाद कभी भी कुछ भी मिले सेंटेंस में हटा दो, सिंपली हटा दो. फोकस ऑन पेयर एंड योर आंसर इज अ पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल. ओके, ये phrases, ये थोड़े बहुत, ये थोड़े से important हैं, इसीलिए we are practicing them. A lot of money is or are wasted on this project. So, इस सेंटेंस में हम क्या, हमें सिंपली ये देखना है, हमें क्या करना है कि इज होगा या आर होगा. अब मनी तो हमने एक से ज्यादा बहुत सारा बता दिया ना, बट थिंक व्हाट काइंड ऑफ नाउन इट इज एंड यू विल गेट योर आंसर. ये किस तरीके से यूज हो रहा है इस सेंटेंस में? हमने पैसे की ऐसे बात नहीं करी कि हम उसको काउंट कर रहे हैं, राइट? राइट, वी आर नॉट काउंटिंग द मनी, वी आर जस्ट अज्यूमिंग अ क्वांटिटी. सिर्फ क्वांटिटी अज्यूम करी है हमने. सो
क्वांटिटी अगर रिज्यूम करी है सिंपली एक, तो उसके साथ हम वो एक क्वांटिटी है जो कि क्लियर नहीं है, अननोन है, वो एक वो बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सेम जैसे इंफॉर्मेशन में था उसी तरह इसमें भी कि वो कितनी हो, बट वो रिजेंबल एक को कर रही है, तो हम एक ही जो सिंगुलर वर्ब है हमारा उसी को ही यूज करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टॉपिक। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो एंड लेट मी नो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।